बोलो देखता हूँ, बोलो स्वाहा। पर थोड़ी बहुत पूरियां भी बन चुकी हैं, जा रही है लोटा लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि नेगी और रश्मि नेगी ब्लॉग में आपका स्वागत है। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। तो आज हमारे नए घर में हवन, तो अभी हमने सफाई वगैरह करनी है और उसके बाद करेंगे हवन। तो जल्दी से रेडी होते हैं और मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। तो दोस्तों फाइनली हम तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज है हवन और आज हमारा व्रत भी है, क्योंकि हवन में बैठने से पहले व्रत रखा जाता है। और अभी तक पंडित जी भी नहीं आए हैं, दीदी लोग और आ गए हैं, तो चलते हैं बाहर पूजा की तैयारियां करते हैं। तो दोस्तों पापा जी बना रहे हैं प्रसाद पिंजरी क्योंकि पूजा के लिए। अब बना रहे हैं गुंजन और माला बाहर के लिए, पीपल के पत्ते और आम के पत्ते से। तो ये भी एक कलाकारी होती है। और यहाँ पे आम की सूखी हुई लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। तो बन गया है पत्तों की माला। दीदी बना रही है हलवा पूजा के लिए। ओम हरि ओम मह ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः ऋषयः। यहाँ पर हो रहा है गृह प्रवेश, तो मम्मी आ रही है लोटा लेकर। कलश, यह कलश यात्रा हो रही है। तो गृह प्रवेश भी हो चुका है और अब होगा लास्ट में हवन। यहाँ पे बन चुके हैं पकौड़ियाँ और यहाँ पे इसमें क्या है, पूरी। तो इसमें बनी है मुलायम मुलायम सी पूरियां और ये है प्रसाद और सूजी है यहाँ पर, देखिएगा। तो दीदी आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। तो दीदी काफी थक चुकी है क्योंकि दीदी ने पकौड़ी पूरियां और हलवा और प्रसाद बनाया और साथ में गुंजन ने भी काफी हेल्प की। तो आज तो पहचानने में भी नहीं आ रही गुंजन। फाइनली हमारा
है, गृह प्रवेश भी हो चुका है और हवन भी हो चुका है न्यू घर में। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी और उन लोगों का हमारे घर में स्वागत है। तो आइए जरूर हमारे घर में। और हम हैं अभी किचन में और किचन की हालत कुछ इस तरह से हो रखी है क्योंकि आज हमने पूरियाँ बनाई, पकौड़ियाँ बनाई और सूजी वगैरह भी बनवाई दीदी लोगों ने। तो देखिए गुंजन क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। चाय बना रहे हो? पकौड़ियाँ ये भी खाइए दोस्तों, खाइए। तो जल्दी से करते हैं काम क्योंकि किचन में सब सामान बिखरा हुआ है। वैसे होता है शादियों में भी, पूजा वगैरह में भी, क्योंकि मेहमान आए होते हैं तो चारों तरफ बर्तन वगैरह होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो जल्दी से करते हैं काम वगैरह, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मीडियम स्कूल में क्योंकि वहाँ रावण का पुतला जलेगा। तो मैं, मम्मी और गुंजन जा रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और श्री राम ने रावण का वध किया था तो इससे ये संदेश गया है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। यही कारण है कि हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण का पुतला दहन किया जाता है और यहाँ पे 3-3 पुतले बने हुए हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। ये सबसे पहले रावण का पुतला दहन होगा। मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं, जो बहनें आगे को बढ़ रही हैं आपको वहीं से अच्छा दिखाई देगा, आगे ना बढ़े। कितने प्यार से जा रहे हैं सभी भक्तजन, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, बस नारा लगाते हुए निकलेंगे, भगदड़ कोई नहीं करेगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर।